हेलो गाइस, मैं तेज। एजुकेशन का इम्पोर्टेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाइस। ये RBSC 10th क्लास का मैथमेटिक्स का पेपर है। ये आज 22 मार्च 2019 को हुआ है, तो देख लेते हैं। ये है पार्ट ए, इसमें 10 क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन है द्वंद्व योग से वर्ग, सेकंड है ये x+1 x+2 इजिकल्स टू x-5 x-6, एंड थर्ड क्वेश्चन ये फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ। इस प्रकार से डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF का आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट सॉल्यूशन का भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट देखो, ये 7 क्वेश्चन है एंड ये 8th है। ये प्रायिकता में से सवाल है ये, देखिए। इसके बाद ये 9 क्वेश्चन है, ये रोड सेफ्टी में से ये क्वेश्चन है, और ये 10। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट बी आ जाता है, और पार्ट बी में हमारे 5 क्वेश्चंस हैं ओनली। तो ये है अनुरूपण से हमें इसका घनफल ज्ञात करना है, और नेक्स्ट फिर ये प्रूव करना होता है कि 7√5 एक अपर में है। नेक्स्ट फिर ये 13 है, और तिरछखंड का क्षेत्रफल निकलवा रहा है इसमें। इसके बाद ये 14, 14 में हमें रेडियस निकलवा रहा है ये। इसके बाद ये भी रोड सेफ्टी का क्वेश्चन है, 15। नेक्स्ट आ जाता है पार्ट सी, और पार्ट सी में हम देखें जैसे कि ये है एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है हमें, गुणनखंड विधि से इसके मतलब हल ज्ञात करने। पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट उस इक्वेशन को आगे हल करेंगे। ओके, ये 17 है, 17 के बाद 18, 18 आ जाता है एक्सरसाइज 8 से। ओके, इसके बाद 19 है, 19 जो है वो एक्सरसाइज है 11 से। इसके बाद ये 20 एक्सरसाइज 12 से है। ओके, इसके बाद ये 21, ये भी ये है एक्सरसाइज 13 से। 22 हमारी कंस्ट्रक्शन यू रचना से है। 23, 24, और फिर इसके बाद ये हमारी प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता से है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट डी आता है, और पार्ट डी में हमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे और 6-6 नंबर के हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है वो ग्राफ का है, और फिर इसमें जो दूसरा यानी कि 27वां जो क्वेश्चन है वो हमें ये ट्रिगोनोमेट्री है यानी कि ये प्रूव करना होता है LHS RHS। ओके, ये इसके अथवा में नेक्स्ट आ जाता है हमारा 28, 28 नवी एक्सरसाइज से है, और फिर 29, 29 में ये चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है, और फिर ये 30। तो ये है पूरा इसका पेपर। अब देख लेते हैं हम इसके सॉल्यूशन। तो ये है पेपर का सॉल्यूशन। ओके, देखो, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमें द्वंद्व योग से वर्ग ज्ञात करवा रहा है। तो ये द्वंद्व योग विधि है, हम इसके 3 पार्ट कर लेंगे। फर्स्ट, एक संख्या का द्वंद्व होता है उसका वर्ग, और दो संख्या का द्वंद्व होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल और उसका दुगुना, और फिर लास्ट की जो संख्या एक बचती है उसका वर्ग कर देंगे। तो सभी में एक एक संख्या आएगी, तो
जैसा फोर है, फोर जैसा है वैसा ही लिख दिया। इसके बाद फोर इधर और ये टू उसमें जुड़ जाएगा, तो ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, वो देख लें आप। ये अनुप्रयोग हमारा जो 1.4 है उसका तीसरा अनुप्रयोग है, और वहाँ से ये सवाल है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। और नेक्स्ट है फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, एस सी एफ ज्ञात करवाया है, तो ये एस सी एफ आ जाएगा। दोनों में कॉमन फैक्टर देखना होता है, तो कॉमन आ रहा है 17, और यही उसका क्या हो जाएगा, एस सी एफ। नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है, और फाइनली इसको सॉल्व करके 21/4 आ गया। फिर इसके बाद फाइव जो क्वेश्चन है, उसमें हमें क्या है, 90° माइनस थीटा लगाना होता है, तो यहाँ पर sin 2a को हम लिख देंगे 90° माइनस थीटा, यानी कि cos थीटा में, तो cos थीटा के पदों में ये लिख देंगे cos 90° माइनस 2a। इसके बाद वो कह रहा है कि समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ क्या होगा, तो समतल के समांतर एक रेखा आ जाएगी। और फिर एक ये है 7 क्वेश्चन, और इसका जो अनुपात आएगा वो ऐसे आएगा, क्योंकि दो त्रिभुज हैं और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तो ये इस तरह से। नेक्स्ट फिर ये 8 क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देखें आप। ये इसका सॉल्यूशन है, तो फाइनली उत्तर आ जाएगा 174 रुपये। ये 10 है, इसके बाद से 10, 10 के बाद आता है 11। 11 में देखें, ये इसका आंसर है, हमें अनुरूप पिंड से इसका क्यूब ज्ञात करवा रहा है। इसके बाद 12, नेक्स्ट फिर 13, 13 के बाद आ जाता है 14, 14 एंड 15, तीन घंटे 6 मिनट आती हैं, और ये 16 है, 16। फिर ये गुणनखंड विधि से निकल ये 17, 17 एंड 18, ये है 18 एंड यहाँ पर फिर 19, ये 19वां सवाल है, एंड फिर देख लेते हैं। और 20, इसमें ये क्या है, एंगल ज्ञात करवा रहा है, दोनों एंगलों का जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 270, ठीक है। इसके बाद ये 21 है, इसमें रेडियस फाइंड करवा रहा है, तो रेडियस आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है 22, एंड 22 देख लेते हैं, ये रहा, और ये 22 हो गया, एंड 23 है। इसमें ये कह रहा है कि जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना आएगा इस वृत्त के अंदर, तो वो आएगा 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड 24, 24 ये 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। 25, ये प्रोबेबिलिटी वाला सवाल है। और फिर आता है 26, 26 6 नंबर का है, और ये इसका ग्राफ है, ये पूरा इसका ग्राफ है। ओके, तो ऐसा इनका इसका ग्राफ आएगा एकदम। ये पूरा ग्राफ है इसका। नेक्स्ट फिर आ जाता है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की फाइंड करनी है वैल्यू, जो उनका जो कटान बिंदु आएगा उनको इस इक्वेशन में रखेंगे, और फिर इसकी ए की वैल्यू निकालेंगे। फिर ये इसका सॉल्यूशन है। एंड फिर नेक्स्ट आता है ये सेकंड, और सेकंड के बाद से है ये अथवा में है,
अथवा का भी मैंने सॉल्व किया है, तो ये रहा, और इसका फिर सेकंड ये रहा, एंड फिर आता है हमारा 28। 28 में ये जो साइड है वो सभी समान आ रही हैं, लेकिन जो विकर्ण है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ये सिद्ध हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। एंड 29 में ये चक्रीय चतुर्भुज है, ऐसे प्रूफ करना है इसको इस प्रकार से। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सॉल्यूशन दिया है पीडीएफ में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इसको। एंड फिर ये आ जाता है 30, एंड 30 का ये है सॉल्यूशन, ये 30 का सॉल्यूशन है। ओके, तो ये है पूरा इसका सॉल्यूशन। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।